ऐसी कौन सी स्त्री है जो बिन माँ की पैदा हुई है, जानिए रहस्य। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वागत है दोस्तों आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एपी सनातन हिंदू में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो प्रसंग लेकर आए हैं वो प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी है, जो रामायण से लिया गया है। अतः आप इस प्रसंग में जानेंगे कि वो कौन सी स्त्री है जो बिन माँ की पैदा हुई है, जिसका जन्म बिना माँ का हुआ है। ये सुनकर आप भी असमंजस में पड़ गए होंगे, क्योंकि बिना माँ का कोई संतान कैसे पैदा हो सकता है। फिर ऐसी कौन सी स्त्री है जो बिन माँ की पैदा हुई थी, चलिए जानते हैं हम इस प्रसंग में। लेकिन हमारे वीडियो के समाप्ति तक आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी तथा धर्म से जुड़ी सभी प्रकार की कहानी आप तक पहुंचाता रहे। दोस्तों एक समय में तीन दोस्त रहते थे, पहला दर्जित और दूसरा बढ़ई, तीसरा सोनार। दोस्तों तीनों दोस्तों में बहुत ज़्यादा ही गहरा संबंध था। एक दिन तीनों ने अपने अपने पत्नियों के कहने से दूसरे देश में जाकर धन कमाने के लिए वो घर से कुछ धन लेकर निकल पड़े। दोस्तों चलते चलते उन्हें एक जंगल मिला और उस जंगल में बहुत रात हो गई थी। दोस्तों तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी रात यहीं पर बिता लें, क्योंकि कहीं हम दूसरे गांव में गए तो शायद हमारा धन कोई लूट लेगा। फिर तीनों ये सोच करके इधर उधर नज़र दौड़ाने लगे। फिर तीनों को एक आश्रम दिखाई दिया। दोस्तों तीनों मित्रों ने मिल करके उस आश्रम में गया और उस आश्रम के महात्मा के आज्ञा से उस आश्रम में रहने का निर्णय किया। दोस्तों तीनों दोस्तों ने मिल करके आपस में निर्णय किया कि हम तीनों एक साथ नहीं सोएंगे, दो सोएगा और एक 3 घंटा जगेगा, फिर वो सोएगा और फिर एक 3 घंटा जगेगा। दोस्तों इसमें बढ़ई बोला कि अच्छी बात है, मैं 3 घंटा तक जगूंगा और आप तीनों सो जाइए। दोस्तों इस प्रकार से बढ़ई ने 3 घंटा रात को जगे रहे और फिर वो अपना 3 घंटा रात कैसे बिताए, इसलिए उन्होंने जंगल में जा कर के कुछ लकड़ी इकट्ठा किया और उस लकड़ी से एक सुंदर सी कन्या बनाकर तैयार किया। दोस्तों कन्या बनाकर वो बढ़ई फिर सो गया। अब दर्जी का नींद खुला तो दर्जी ने देखा कि मेरा दोस्त कितना सुंदर लकड़ी का एक स्त्री बनाकर तैयार किया है। दर्जी सोचा क्यों ना मैं इसको सुंदर से कपड़ा सिलकर पहना दूँ। इस प्रकार दर्जी ने रात को कपड़ा सिलकर उसे पहना दिया और फिर वो सो गया। दोस्तों जब सोनार जगा तो अपने दोस्तों की करतूत देखकर वो अचंभे में रह गया। फिर सोनार सोचा क्यों ना मैं इस स्त्री को ज्वेलरी से सजा दूँ। फिर सोनार ने अपने बैग से कुछ ज्वेलरी निकाले और फिर उस स्त्री को पहना दिया और फिर वो सो गया। दोस्तों इस प्रकार से सुबह जब शिव जी और पार्वती जी घूमने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री को काठ से बनाकर तीनों दोस्त सो गए हैं। दोस्तों शिव जी पार्वती जी सोचे कि क्यों ना हम इसमें जान डाल दें और फिर उस कठपुतली में शिव जी ने जान डाल दिए। दोस्तों इस प्रकार वो प्राणहीन कठपुतली प्राण
और सजीव बन करके तैयार हो गए। फिर तीनों दोस्तों का जब नींद खुला तो देखा कि बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है। फिर इस पर बरही बोला कि इससे मैं शादी करूँगा। इस पर दर्जी बोला, नहीं मैं इसको शादी करूँगा। फिर सोनार बोला, नहीं मैं साधु करूँगा। दोस्तों, इस प्रकार से तीनों दोस्तों ने आपस में उस स्त्री के लिए झगड़ने लगे। जब ये झगड़ा देखे शिव जी तो बोले, तुम तीनों झगड़ क्यों रहे हो? फिर तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। दोस्तों, इस पर शिव जी बोले कि एक बात बताओ कि जिस चीज़ का जो निर्माण करता है, जो निर्माण करता होता है, वो उसके लिए क्या होता है? फिर तीनों ने जवाब दिया कि उसके लिए उसका पिता होता है। तो फिर शिव जी बोले, तो आप ही लोग बताओ कि इसका निर्माण तुम तीनों ने किया है, तो तुम तीनों इसका क्या हुए? फिर तीनों ने शर्म से नीचे सर झुका लिया। दोस्तों, इस प्रकार शिव जी ने उस स्त्री को लेकर के अपने कैलाश को चल दिए। दोस्तों, उस स्त्री का नाम उन्होंने अहिल्या रखा। दोस्तों वही अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी बनी। दोस्तों, उस अहिल्या की कहानी कई प्रकार की है। एक में बताया गया है कि वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।